इन्हें ONGC में खरीदारी करनी है और इन्हें इरकॉन में खरीदारी करनी है, दोनों में ही मौजूदा समय पर क्या लगता है? क्या कोई नजरिए के साथ, अगर आपका भी कोई नजरिया है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उनके लिए। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम हमें नहीं लिख कर दिया है सवाल में, लेकिन अगर किसी को इन लेवल्स पे खरीदारी करनी हो तो फिर कितना नजरिया होना चाहिए और इन दोनों पर आपकी क्या राय होगी? डेफिनेटली ONGC पे अपना एक व्यू जो है पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ से भी खरीदारी करनी है तो ये लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पॉट अगर डिप मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल के व्यू से अपन ONGC की बात करें, और एग्जिट पोल अगर मार्केट के अंदर वैसे के वैसे इंटेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ONGC के अंदर कम से कम 350 से 375 तक के लेवल जो है अपने को साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से ONGC में स्पेसिफिक अपनी एक होल्ड की सलाह है और बाइंग की भी सलाह रहेगी, तो यहाँ से ONGC होल्ड किया जा सकता है और बाइंग